तो मनीष कश्यप द्वारा जो खबर परोसा गया सोशल मीडिया पे, पत्रकारिता जगत में यूट्यूब और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के आने से क्रांति आई है, लेकिन कुछ इस टाइप के जो पत्रकार हैं, इस टाइप के जो भ्रामक खबर चलाते हैं, इससे पत्रकारिता का भी स्तर गिरता है। ये पिटाई के मामले में मैं नहीं बोलना चाहूंगा, लेकिन हम पिटाई खाते जा रहे हैं। बिहारी गाली शब्द है, ये ध्रुव सत्य है, स्वीकार कर लेना चाहिए। मैं इससे ज्यादा पत्रकार हैं, एक चीज आपसे मैं जानना चाहूंगा, मनीष कश्यप ने भी वीडियो डाला और भी ढेर सारा न्यूज चैनल, न्यूज पोर्टल, हर चीज पे ये वीडियो चला था, और सब पे ये FIR क्यों नहीं, मनीष कश्यप पे ही FIR क्यों? लेकिन वही पंजाब और हरियाणा में जाने के बाद ना, वो ऑडी फॉर्चुनर से जाता है खेत, वो गर्व से महसूस करता है कि हम किसान है और खेती करने आए हैं, मेरे पास इतना बीघा खेत है। लेकिन यहाँ पर वो चपरासी बोलना वो कबूल करेगा, लेकिन ये नहीं बोलेगा कि मेरे पापा किसान है या हम खेती कर रहे हैं। भारत के संविधान में राष्ट्रपति हो या एक रिक्शा चालक, उनको एक मत का अधिकार है, अपनी धर्मपत्नी के भी मत का वो बात नहीं कर सकते हैं। तो किसी को कोई 180 दिन में ना सरकार बना सकता ना गिरा सकता, वो एक चुनावी प्रक्रिया है, उसी के मतदार होने के नाते मनीष कश्यप को कैसे देखते हैं आप? देखिए, मनीष कश्यप यहाँ पे झूठी खबर चलाई है, ठीक है, तो उस पर तो FIR हुआ, तो कोई गलत नहीं हुआ है। हम लोग भी पत्रकारिता करते हैं, तो अपना एक है बंदिश है पत्रकारिता का भी, अगर गलत भ्रामक खबर चलाएंगे, गलत खबर चलाएंगे। नमस्कार, मैं रिंकेश कुमार और आप देख रहे हैं SM न्यूज लाइव। आज से 12 दिन पहले एक वीडियो वायरल होता है, वो वीडियो था तमिलनाडु में बिहारियों पे अत्याचार का, एक वीडियो वायरल होता है। उस वीडियो को वायरल होने के बाद ये मामला इतना तुल पकड़ लेता है कि यहाँ से टीम भेजनी पड़ती है तमिलनाडु जांच के लिए। जांच में क्या पता चलता है ये मैं आपको बताऊंगा। बाकी एक और इसकी पहलू है जिसमें यहाँ से कुछ पत्रकार भी जाते हैं और वहां जाके कुछ वीडियो दिखाते हैं जहाँ ट्रेन पे बिहारी चढ़ रहे होते हैं बिहार आने के लिए, तो उनका कहना होता है कि नहीं, सही में ये अत्याचार वाला वीडियो देख के हम लोग यहाँ से भाग रहे हैं। अब क्या उसमें सच्चाई थी और उसी के बेसिस पे चार पत्रकारों पर FIR भी हो जाता है। बाकी मैं यहाँ पे प्रेस क्लब, त्रिवेणीगंज के प्रेस क्लब में अभी मैं खड़ा हूँ और यहीं से जानने का प्रयास करूंगा कि क्या मामला था और क्यों ऐसा हुआ, और वो जो FIR था, क्या वो FIR सही था। बाकी कुछ मेरे जो सवाल भी हैं, क्या फेक वीडियो से डराया गया तमिलनाडु में हिंदी भाषी मजदूरों को, या सही में तमिलनाडु में हिंदी भाषियों पर अत्याचार हुआ और सरकार इसे जबरन झूठ बताने पर लगी हुई है, क्या तथाकथित पत्रकारों ने किसी फायदे के लिए वीडियो को वायरल किया और सुर्खियों में रहे, या कोई और रीजन था। एक और रीजन आता है कि मनीष कश्यप को गिरफ्तार करना है, FIR हो गया उस पे। तो एक और बात आती है सामने कि क्या इसके बाद मनीष कश्यप की फैन फॉलोइंग और ज्यादा बढ़ जाएगी। तो आइए हम बात करते हैं, हमारे सामने कुछ पत्रकार भी हैं और कुछ जो हम बात करने का कोशिश करेंगे। क्या नाम हुआ भाई आपका? सुशीष कुमार नाम है। सुशीष कुमार, अभी जैसा कि आपको भी पता है यहाँ पे तमिलनाडु और बिहार को लेके बहुत बड़ा विवाद चल रहा था, जो अब थोड़ा शांत हुआ है, लेकिन कुछ पत्रकारों पे FIR हुआ है। क्या लगता है, क्या मामला था आपके हिसाब से, कैसे देखते हैं इस मामला को? सबसे पहले तो अपने देशवासियों को होली का हार्दिक शुभकामनाएं, और जहां तक हम लोग को सारा ये न्यूज सोशल मीडिया के थ्रू ही पता चल रहा है, तो सोशल मीडिया के थ्रू ही पता चला हम लोग को ये सब जानकारी, और उसके कुछ दिन के बाद फिर जानकारी पता चला कि जैसे न्यूज में हम लोग पढ़े या देखे TV पे, कैसा कुछ रियल में ऐसा कुछ मैटर है नहीं। हाँ, ये लोकल न्यूज़ वाले या लोकल जो यूट्यूबर सब है, ऐसा कुछ वीडियो या कोई भी दो लड़के का नाम आया है वो ऐसा शेयर कर दिया, पुराना कोई वीडियो या फोटो, ये कोई एक मुद्दा इशू बना दिया है। सच में ऐसा कुछ है नहीं, वहाँ के जो पदाधिकारी सब ऐसा ये कर रहे, न्यूज़ में बता रहे। चलिए, ये तो मामला सही में, इस पे बात भी होगी। हमारे साथ में क्या नाम हुआ आपका? मनीष चौखानी। एक चीज बताइए, अभी जो मामला चल रहा है इसको कैसे देख रहे हैं आप? अभी चार पत्रकारों पे FIR भी दर्ज हुआ है। सरकार वहाँ टीम भेजी थी सर, वहाँ से टीम से जो हम लोग को जानकारी मिल रही है कि ऐसा कुछ नहीं घटना हुई थी, इसे कुछ पत्रकार के द्वारा बनाया हुआ घटना था, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है, नहीं। क्या कहेंगे सर, आप भी एक पत्रकार है, इसको किस नजर से देखते हैं आप? देखिए, जो अभी तक में जांच से सामने आया है, सरकार द्वारा जो टीम वहाँ गई थी, उस टीम के द्वारा जो बिहार सरकार को रिपोर्ट सौंपी गई है, उस रिपोर्ट के आधार पर देखिएगा तो ऐसा किसी भी प्रकार का कोई घटना दुर्घटना नहीं घटी है तमिलनाडु में, जिससे बिहार के मजदूरों को या प्रवासी मजदूरों को घबराने की जरूरत है या हतोत्साह होने की जरूरत है। इस तरह की कहीं कोई घटना नहीं हुई है। कुछ यूट्यूबर या तथाकथित पत्रकार जो हैं, उनके द्वारा ऐसा बताया जा रहा है, जो फर्जी और फेक वीडियो, पुराना वीडियो डाल करके न्यूज चलाया गया था,
इसमें एक दो पत्रकार, चर्चित पत्रकार के नाम भी सामने आ रहे हैं, कुछ FIR भी लॉज हुए हैं, तमिलनाडु में भी लॉज हुए हैं, बिहार में भी लॉज हुए हैं। पुलिस अपना काम कर रही है, सरकार अपना काम कर रही है, लेकिन एक चर्चित पत्रकार जो जिनका FIR में नाम आ रहा है, जिन पर FIR हुआ है तमिलनाडु में, बिहार में, तो उनका एक बयान भी सोशल मीडिया पे बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है, जो यहाँ के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के विरोध में आग बबूला होकर के बोला जा रहा है और यह सोशल मीडिया पे बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। यह निंदनीय है। हम पत्रकार हैं, पत्रकारों को अपने गरिमा में रह करके काम करनी चाहिए, न कि उसे पॉलिटिक्स करना चाहिए। पॉलिटिक्स करना है तो आप डायरेक्ट पॉलिटिक्स में चले जाइए, अगर आपको पत्रकारिता करनी है तो आप पत्रकारिता कीजिए। बस यही मामला है और इस तरह का कहीं कोई मामला नहीं है। इससे न प्रवासी मजदूरों को घबराने की जरूरत है, खास करके बिहार के मजदूरों को जो अदर स्टेट जाकर के अपनी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करते हैं, जीविका को चलाते हैं, उन्हें बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। एक सवाल होगा सर भैया आपके, आपसे कि एक पत्रकार होने के नाते मनीष कश्यप को कैसे देखते हैं आप? देखिए, मनीष कश्यप यहाँ पे झूठी खबर चलाई है, ठीक है, तो उस पर तो FIR हुआ, तो कोई गलत नहीं हुआ है। हम लोग भी पत्रकारिता करते हैं, तो अपना एक है बंदिश है पत्रकारिता का भी, अगर गलत भ्रामक खबर चलाएंगे, गलत खबर चलाएंगे तो FIR तो होगी। लेकिन मनीष कश्यप का कहना है कि वहां जाके हमने रिपोर्टिंग किया तो सही में मजदूर बोल रहे हैं कि हमने, हमारे साथ ऐसा हुआ। वो प्रायोजित खबर चलाए थे, वो अपने तरफ से बनाए थे खबर को, वो सारा चीज क्लियर हो चुका है, पुलिस जांच में सभी आ रहे हैं। तो इस मतलब मनीष कश्यप को आप सही में FIR सही है? FIR सही हुआ है, गलत भ्रामक खबर चलाया है वो, दो राज्यों में विवाद पैदा करने का काम किया वो, तो क्या सही किया बताइए। अभी तक जांच से जो सामने आया है उस जांच के आधार पे तो मनीष कश्यप द्वारा जो खबर परोसा गया सोशल मीडिया पे, पत्रकारिता जगत में YouTube और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के आने से क्रांति आई है, लेकिन कुछ इस टाइप के जो पत्रकार हैं, इस टाइप के जो भ्रामक खबर चलाते हैं, इससे पत्रकारिता का भी स्तर गिरता है और पत्रकार के सम्मान पे भी ठेस पहुँचती है। एक आपका, आप झूठी खबर परोसते हैं, दूसरा अगर आप पे कार्रवाई होती है तो आप उस स्टेट के सरकार को आड़े हाथों ले लेते हैं, खुलेआम सोशल मीडिया पे आके चैलेंज दे देते हैं, तो यह शोभनीय नहीं है, यह निंदनीय है और पत्रकारों के हित के लिए तो यह कहीं किसी भी एंगल से अच्छी बात नहीं है, पत्रकारों के लिए अच्छी नहीं है ये अच्छी। एक चीज भैया आपसे मैं जानना चाहूंगा, जहाँ कहा जाता है मनीष कश्यप जीरो से हीरो बने और आज सीएम डिप्टी सीएम पे ऐसा ऐसा बात बोल रहे हैं कि आपको 180 दिन में आपकी सरकार गिरा देंगे, तो आपको क्या लगता है मनीष कश्यप को किस रूप में देखते हैं आप? देखिए, एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत आपको सरकार के द्वारा जो निर्धारित एजेंसी है उनके दिए हुए रिपोर्ट पे भरोसा करना पड़ेगा, प्रक्रिया यही है। यहाँ से सरकार की टीम गई, उन्होंने देखा कि उनका रिपोर्ट है कि इस प्रकार की कोई हिंसात्मक गतिविधि नहीं हुई है, तो ये जांच का विषय उन्होंने यहाँ पे पेश किया है। और उसके बाद जब ये मामला आपको सब जुडिस हो चुका है तो उसके ऊपर जांच होगा, जांच पड़ताल होगा, कौन सा चैनल पे क्या वीडियो डाले नहीं डाले। और यहाँ पे देखिए, मनीष कश्यप हो, एक बात तो मानना पड़ेगा, उनके शतक पे अभी 6.38 के आसपास उनके व्यूअर्स हैं, तो लोग उनको सुनना पसंद कर रहा है, इसीलिए 63 लाख से प्लस सब्सक्राइबर हैं उनके, तो लोग और कुछ मुद्दों को वो उठाते हैं। यहाँ पे हो सकता है कि उनसे गलती हो गई, क्योंकि ऐसा जांच के माध्यम से पता चल रहा है। तो व्यक्तिगत आप बोलेंगे तो मैं कहूंगा मनीष कश्यप नहीं, और भी बहुत सारे जो यूट्यूबर है वो यहाँ पे आ रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया की जिम्मेदारी यहाँ पे बन जाती है और व्यक्ति की भी जिम्मेदारी बन जाती है, किस प्रकार से वो कैसे न्यूज को चलाएं। कोई भ्रामक खबर अगर वो चला रहे हैं तो बहुत गलत बात हो रहा है। लेकिन मैं यहाँ पे तीसरा एंगल पे मैं बात करना चाहूंगा, चूंकि मुझे ना आधिकारिक, मैं राजनीतिक व्यक्ति हूं नहीं, मुझे इन सब चीजों पे बोलना नहीं है। एक बात अभी भी इसमें गौण हो रहा है जो मुझे नहीं लग रहा है कि कोई लोग देखना चाह रहा है। आप एक बात बताइए, मजदूर क्या करने गए तमिलनाडु? तमिलनाडु का मजदूर बिहार में क्यों नहीं है? तमिलनाडु में क्यों है बिहार का मजदूर? आदरणीय सीएम साहब हैं, इन लोग बहुत सारा चीज चला रहे हैं। आपको बिहार में स्कोप का पता है? मैं एक सिर्फ स्कोप की बात बताना चाहता हूं। यहां पे आपको इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं ना, डेवलप हुआ है, आपके पास संभावना है। मैं व्यक्तिगत उस विशेष प्रकार का, मुझे समस्या ज्यादा समाधान पे बात करने की मुझे आदत है। आप सही तरीके से देखिए, 3-3 इथेनॉल फैक्ट्री अभी यहाँ पे बन रही है। सरकारों यहाँ पे क्यों नहीं रोजगार को जागरूक किया जा रहा है? रोजगार को जागरूक करना चाहिए। इथेनॉल बनता है आपको गन्ना के माध्यम से, पूर्णिया में देश का सबसे बड़ा संयंत्र है, आप आरा में बना है, गोपालगंज में बना है, मखाना फैक्ट्री काम कर रहा है कहाँ पे आपको? गोपालगंज में। 1970-80 के बाद से एक ऐसा बात आया, स्थिति आया कि यहाँ बहुत तरह के उद्योग चलते रहे। क्यों गए आपके व्यापारी? क्यों नहीं आपके ऊपर इन्वेस्टमेंट हो रहा है? आप
आप ये एक बात कहा जाता है कि देश एक लैंड, हमारा स्टेट एक लैंडलॉक है, नेपाल झारखंड उत्तर प्रदेश और क्या कहते हैं पश्चिम बंगाल से घिरा हुआ है, लेकिन इस वजह से हमारे पास कोस्टल एरियाज है नहीं तो हम डेवलप नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन आप एक बात देखेंगे, अभी एक गंगा विलास क्रूज चल रहा है, वो आपको असम डिब्रूगढ़ वाराणसी से चल के डिब्रूगढ़ तक जाएगा पश्चिम बंगाल बांग्लादेश होते हुए। आप नदी के माध्यम से व्यापार को क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं? जूट के मामले में हम लोग दूसरे स्थान पर है, कृषि उस प्रकार की हो क्यों नहीं रही है? आप अभी जाकर के आप जो यहाँ पंजाब दिल्ली हरियाणा जो भी जा रहा है, आप 90% से पूछेंगे धान काटने जा रहे हैं, किसी फैक्ट्री में काम करने जा रहे हैं। ये मुद्दा में मनीष कश्यप अच्छे हों, तेजस्वी जी अच्छे हों, या किन्हीं क्या, देखिए एक एक ये व्यक्ति भारत के संविधान में राष्ट्रपति हो या एक रिक्शा चालक, उनको एक मत का अधिकार है, अपनी धर्मपत्नी के भी मत का वो बात नहीं कर सकते हैं। तो किसी को कोई 180 दिन में ना सरकार बना सकता ना गिरा सकता, वो एक चुनावी प्रक्रिया है, उसी के माध्यम से होगा। और अगर चुनाव हो गया है तो 5 साल के दौरान जो विधायक आपस में अपने अध्यक्ष से कर लेते हैं, कोई ये बनते कभी वो बनते, एक अलग प्रक्रिया, मैं उस पर बात नहीं करना चाह रहा हूँ। जब आम चुनाव होगा तो उस समय देखा जाएगा, लेकिन इन मुद्दों को तत्काल के लिए साइड कीजिए। कितने साल की बात है, चलिए तमिलनाडु में मार नहीं खाया, एक वीडियो का वायरल छोड़ दीजिए, मार नहीं खाया बिहारी, हर जगह मार खाया, कहाँ नहीं मार खाया है? आप राज ठाकरे का मैं बयान कोट करना चाहूंगा, एक बहुत अच्छा बयान, यूट्यूब पे जाएंगे सर्च करेंगे वो मिलेगा, कि आप अपने नेताओं से नहीं पूछते हैं क्यों आते हो आप यहाँ मार खाने के लिए, क्यों आते हो? एक व्यक्ति केजरीवाल साहब का भी एक बयान है कि दिल्ली के लोग में आकर के बिहार के लोग जो है कम 500 रुपये में या कुछ आयुष्मान भारत का बहुत ज्यादा लाभ ले लेते हैं, ये बात है कि नहीं? बयान ऑन रिकॉर्ड बयान है उनका, बोला जाता है। स्वास्थ्य सेवा हम सब पे नहीं, हमारे आदरणीय नीतीश जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मैं सबको मैं कर रहा हूँ, मैं राजनीतिक बात नहीं कर रहा हूँ। 3-3 इथेनॉल संयंत्र बैठ गया, इथेनॉल आपको गन्ना के माध्यम से आता है, गन्ना के काम होना चाहिए, गन्ना के किसान को बोलना चाहिए। बैजनाथपुर में पेपर मिल बंद है, हमारा ये एरिया बांस के लिए जाना जाता है, बांस की इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर दीजिए, कृषि आधारित खेती होगी ना। आप जाकर के चारों तरफ कृषि देखिए, जो दादाजी कर रहे थे वही हम भी कर रहे हैं, कुछ चेंजिंग नहीं आया, कोई बदलाव नहीं आया। जीविकोपार्जन के लिए खेती हो रही है, आय उपार्जन के लिए नहीं हो रही है। आप चले जाइए, आप वहां पे हरियाणा वगैरह में चले जाइए, छोटा सा राज्य है पंजाब, छोटा राज्य है क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से, लेकिन बृहत स्तर पर, वो भी तो लैंडलॉक है, वहां भी तो कोस्टल एरिया नहीं है, वहां पे कृषि व्यवस्था इतने सही तरीके से इम्प्लीमेंट, हालांकि हरित क्रांति वहां आई थी, लेकिन इतने सही तरीके से इम्प्लीमेंट किया गया है कि कहा जाता है कि पंजाब भारत को 5 साल तक बैठा के खिला सकता है। वो तकनीक हमारे यहाँ विकसित नहीं हो सकता है। आपको मैं पौराणिक इतिहास की बात बता दूं, मैं भारत में सब 16 महाजनपद हुआ करते थे पुराने समय में, जैसे 28 राज्य हैं उसी प्रकार 16 राज्य थे, और मगध सबसे शक्तिशाली साम्राज्य था, इसीलिए था क्योंकि गंगा के द्वाब पे बसी हुई वो जगह थी, सामरिक तौर पे सांस्कृतिक तौर पे बहुत समृद्ध था। गंगा गंडक के द्वाब पे हम लोग है, गंडक कोसी के द्वाब पे है, ये लोग उपजाऊ जमीन के लिए जाना जाता है। बाढ़ की समस्या आती है, काम हो रहा है, काम सब कुछ हो रहा है। इस मामले में चाहे तेजस्वी जी मनीष जी, मैं किन्हीं को नहीं बोलूंगा, मैं एक सामान्य रूप से बोलूंगा, हमारे मजदूर बाहर क्यों जाएंगे, उन्हें नहीं जाना चाहिए। देखिए स्वतंत्र आर्टिकल 19 के तहत सभी भारत में किसी भी जगह, कुछ जगह कुछ प्रतिबंधित जगहों को, हालांकि धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में जा सकते हैं, कुछ जो अनुसूचित जनजाति क्षेत्र है उनको छोड़ दिया जाए तो भारत में कहीं भी जा सकते हैं, रह सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, अधिकार है। लेकिन विवस्तावश वहां जा रहे हैं, चूंकि यहाँ पे संसाधन नहीं है, तो ये समस्या की बात है, ये हम सबों के लिए समस्या की बात है। ये इस पिटाई के मामले में मैं नहीं बोलना चाहूंगा, लेकिन हम पिटाई खाते जा रहे हैं, बिहारी गाली शब्द है, ये ध्रुव सत्य है, स्वीकार कर लेना चाहिए, मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकता इस संबंध में। एक सवाल अब बनता है कि अभी बात हो रही थी, आपने अच्छा कहा कि बिहारी मजदूर बाहर क्यों जाते हैं, सही बात है, बाहर जाते हैं, बाहर जाना पड़ रहा है उसको, लेकिन एक और बात आता है, मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा कि इसके बाद क्या लगता है, मनीष कश्यप का और चांदी हो जाएगा क्या, क्या गिर जाएंगे मनीष कश्यप? जाहिर सी बात है, फिलहाल जेल जाएंगे, फिलहाल जेल जाएंगे, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। जाहिर सी बात है, उसकी पॉपुलैरिटी तो है, 6.38 मिलियन उनका सब्सक्राइबर है जैसा अभी देखने के लिए मिला है। लेकिन फिलहाल अभी वो, चूंकि उनपे तमिलनाडु में भी सुनने में आ रहा है जो FIR लॉन्च हुआ है, बिहार पुलिस भी बड़ी बेसब्री से 72 घंटों से खोज रही है, तो फिलहाल वो अभी जेल जाएंगे। एक आप भी पत्रकार हैं, एक चीज आपसे मैं जानना चाहूंगा, मनीष कश्यप ने भी वीडियो डाला और भी ढेर सारा न्यूज चैनल, न्यूज पोर्टल और प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया, हर चीज पे ये वीडियो चला था कि तमिलनाडु में ये घटना हुई, तो और सब पे ये FIR क्यों नहीं, मनीष कश्यप पे ही FIR क्यों नहीं है? सभी पे हो रहा है, पुलिस सब काम कर रही है हर एक बिंदु पर, और कितना आदमी को तो गिरफ्तार भी किया है,
अभी लेकिन 26 पे ही 26 URL पे ही जैसा कहा जा रहा है बिहार पुलिस के द्वारा परसों जो वीडियो रिलीज हुआ था उसमें कहा जा रहा है कि सिर्फ 26 URL पे ही FIR हुआ है जिसमें प्रमुखता से चार लोगों को लिया गया जिसमें मनीष कश्यप भी है। जो इसमें कई आदमी हम भी कल देख रहे थे न्यूज पे कि 4-5 व्यक्ति को गिरफ्तार भी शायद किया गया है। दो लोगों को अभी गिरफ्तार किया है बाकी और लोग हैं। हाँ, पुलिस जांच कर रही है जो जो इसमें संलिप्त होंगे सभी को गिरफ्तार किया जाएगा। तो सही बात है। और क्या कहेंगे आप इस मामले को लेके? इस पिछले सवाल का वो हम उसके बारे में बात करना चाहेंगे कि बिहार में जो है ना ऐसा नहीं है कि रोजगार नहीं है, ठीक है, यहाँ का मानसिकता अभी तक चेंज नहीं हुआ है। यहाँ रोजगार है, रोजगार यहाँ रोजगार भी है, सब कुछ भी है यहाँ। लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं कि गांव में अगर वही लेबर को बोला जाता है कि खेत में काम कीजिए, ऐसा नहीं कि रोजगार नहीं है पूरी तरह, ऐसा नहीं है। फिर इतना लोग रह कैसे रहे बिहार में, ऐसा नहीं है। वो लोग का मानसिकता अभी तक चेंज नहीं हुआ है पूरी तरह। सबसे पहले एजुकेटेड नहीं हुआ है पूरी तरह। वो लोग को लगता है दूर का ढोल किसका था, ये बताइए दूर का ढोल सुहा काम किसका था, कौन सा चेंज करने का काम किसका था? समाज से होगा, एजुकेशन से होगा, शिक्षित परिवार होगा, समाज शिक्षित होगा। मतलब आपके कहने का मतलब है बिहार में रोजगार भरपूर है? ऐसा नहीं बोल रहे हैं हम, बिहार में भी रोजगार है लेकिन लोगों का मानसिकता ऐसा है दूर का ढोल सुहा बाहर जा, बाहर जाके, ठीक है, अपने गांव में अगर समाज में कोई खेती कर रहा है ना तो फक्र से आके बाजार में नहीं बोलेगा कि हम खेती कर रहे हैं, उसको शर्म महसूस होता है, वो छिपाएगा इस बात को कि हम किसान है, ठीक है। लेकिन वही पंजाब और हरियाणा में जाने के बाद ना वो ऑडी फॉर्चुनर से जाता है खेत, वो गर्व से महसूस करता है कि हम किसान है और खेती करने आए हैं, मेरे पास इतना बीघा खेत है। लेकिन यहाँ पर चपरासी बोलना मैं वो कबूल करेगा लेकिन ये नहीं बोलेगा कि मेरे पापा किसान है या हम खेती कर रहे हैं। मतलब नीचे बाहर जाने में अच्छा लगता है, नीचे स्तर का समझता है वो, इसलिए दूर जाकर के वो अपने आप को राजा समझ रहा है वो। लेकिन यहाँ अपने समाज में नहीं करेगा वो, छोटा स्तर का। मैं आपको बता दूं, सुशीष भैया है जो कह रहे हैं कि यहाँ के मजदूर बाहर इसलिए जाते हैं क्योंकि उससे अच्छा लगता है, और भैया मेरे कह रहे हैं तरुण सिंह राठौर जी कि मजबूरी में बाहर जाना होता है। घर कौन छोड़ना चाहेगा? लेकिन उनका तो कहना है कि नहीं, मैं उनके बात पे नहीं कर रहा हूँ। घर कौन छोड़ना चाहेगा, बाहर कौन जाना चाहेगा, जो मैंने बोला वो फैक्ट है कि नहीं है? एक इनका ये कहना मुझे भी ये लग रहा है, यहाँ रोजगार है लेकिन कौन सा रोजगार, कहाँ पे कृषि किस प्रकार का हो रहा है, क्या तकनीक क्या डेवलप हमको बताएंगे, कुछ दिख रहा है? वही हल वही ट्रैक्टर, यहाँ पे मंडियों में कितना ज्यादा व्यापार हो रहा है, किस तरह से काम हो रहा है, उसका अनाज का बिक्री का काम नहीं चल रहा है, बिचौलिया हावी है कि नहीं है, हावी है कि नहीं है? और सिर्फ किसान की बात करने से क्या हो जाता है, मजदूरों की भी बात हो रही है ना, जिनको काम मिल नहीं रहा है, जिनको काम मिल नहीं रहा है उनकी भी बात की जा रही है ना। तो काम जब तक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं होगा बड़े बड़े औद्योगिक क्षेत्र में, तब तक मजदूरों का पलायन जैसे चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा, मुझे जो लगा। बाकी मैं अभी बात कर रहा था तमिलनाडु में जो बिहारियों पे अत्याचार हो रहा था, जो वीडियो वायरल हुआ, मैं उसी पे बात कर रहा था अभी। बाकी अभी आप देख रहे थे पैनल में जो जो भी लोग थे उनका क्या मानना था, क्या कहना था, और मनीष कश्यप पे जो ये FIR हुआ है वो सही है या गलत है, ये आप इस वीडियो में आपने देखा। बाकी मॉर्निंग केस आप देख रहे थे सब न्यूज लाइव, धन्यवाद।